नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा, आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है, जिसका देश सहित विदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आपको बता दें, आज यहाँ उनके बर्थडे के साथ ही यहाँ मीरा भाईंदर में आज कर्नाटका समाज भी श्री शक्ति फाउंडेशन का उद्घाटन किए, और इस श्री शक्ति फाउंडेशन का उद्घाटन मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष रवि व्यास और अशोक पुरोहित के हाथों हुआ है। आपको बता दें, श्री शक्ति फाउंडेशन ये महिलाओं के लिए स्पेशल है, और इसके साथ हमारी मीरा भाईंदर की महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रंजना कथावटे भी जुड़ी है। और रंजना कथावटे इस फाउंडेशन की सेक्रेटरी है और यहाँ की चेयरपर्सन शालिनी शेट्टी है, जिन्हें कुछ ज़रूरत है या फिर जो आगे नहीं बढ़ पाती, जो आत्मनिर्भर नहीं बन रही है, ऐसे महिलाओं को ये फाउंडेशन है मदद करेगी। और इसमें सिर्फ कर्नाटका की समाज ही नहीं, अन्य महिलाएं भी इसमें जुड़ सकती है। और ये सिर्फ मीरा भाईंदर तक सीमित नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में ये फाउंडेशन लोगों की, महिलाओं की मदद करेगी। तो आइए बात करते हैं रवि व्यास से और मीरा भाईंदर की जिला उपाध्यक्ष रंजना कथावटे से इस फाउंडेशन के बारे में और अधिक जानकारी। साउथ इंडियन महिलाओं के सशक्तिकरण करने के लिए एक श्री शक्ति फाउंडेशन नाम की संस्था का आज इनॉग्रेशन किया, स्थापना की। इस अवसर पर मैं यहाँ पे आया था, मैंने यहाँ पे संस्था के सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। हमारी भाजपा की उपाध्यक्षा रंजना कथावदे मैडम भी इस कार्यक्रम के विशेष रूप से सहभागी है, इनका भी सहयोग था। और अपने आप के अंदर दुलू समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ा रहा है, हिंदुत्ववादी विचारधारा है। आज इन संस्था को मैंने इस संस्था को मैंने शुभकामनाएं दी है और पूरा आश्वासन दिया है कि आज के शुभ दिन इस संस्था की स्थापना हुई है, तो निश्चित रूप से हम हर वर्ष इस संस्था के स्थापना दिवस के अंदर इनके साथ में रहेंगे। और जो भी ये सेवा के कार्य करते हैं, महिलाओं के विकास के कार्य करते हैं, या जो भी समाज के जो भी चीज़ें होगी, उन सभी के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका निभाएगी और इन सहायता करेगी। भारतीय जनता पार्टी में तो महिलाएं आगे बढ़ी रही है, वो हम लोग देख रहे हैं। और आप अभी उधर कह रहे हैं कि मीरा भाईंदर का जो अभी इलेक्शन आने वाला है, उसमें भी तुलू समाज को हिस्सेदारी मिलेगी, तो उसमें आप कि साउथ इंडियन समाज मीरा भाईंदर शहर में काफ़ी सालों से रहता है और बहुत बड़ी संख्या में मीरा भाईंदर शहर में अगर आप देखेंगे तो तुलू समाज इतनी बड़ी संख्या में, जो कि और कहीं पे तुलू समाज इतनी बड़ी संख्या में मीरा भाईंदर के अलावा रहते नहीं है। तो निश्चित रूप से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, इस तरीके का जो हमारा संकल्प है, उसी के आधार पर तुलू समाज का भी कहीं ना कहीं इसके अंदर योगदान विशेष रूप से। नमस्कार सभी को। आज जो श्री शक्ति फाउंडेशन का उद्घाटन हुआ है, ये आज का दिन बहुत ही शुभ है। पहले तो मैं श्री हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगेन शुभेच्छा देना चाहूँगी उनका 72nd जन्मदिन के ऊपर। और उनके जन्मदिन के दिन हमने श्री शक्ति फाउंडेशन इसका उद्घाटन किया, सो आज का बहुत ही शुभ दिन है। दूसरी बात यह है कि ये श्री शक्ति जो नाम हमने दिया है, जो मोदी जी ने मेनली स्त्रियों के लिए जो स्कीम्स लाए हैं, वो स्त्रियों को बहुत प्राधान्य दिया है। हमारे मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले स्त्रियों का जो उनके लिए जो सोचा है, गैस के चूल्हे से लेकर जो वर्किंग लेडीज़ है और जो गरीब लेडीज़ है, उनके लिए जो भी उन्होंने योजनाएं लाई है, वो मैं सब तक लास्ट पर्सन तक मैं वो पहुँचाना चाहती हूँ। अभी मैं पदाधिकारी हूँ, मैं मोदी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। महिलाओं का कुछ अच्छा कर सके, हमसे जितना भी हो सके वो हम करने की कोशिश करेंगे। वहाँ आज ये श्री शक्ति फाउंडेशन में जो मैंने बताया अभी स्टेज पर, शालिनी शेट्टी जी ने मुलाकात की थी मेरे से। जैसे ना पावर गोज विथ पीपल, वैसे अभी मैं पदाधिकारी हूँ, हम लोग सभी कॉमन पीपल हैं। तो जो ये हम लोग का 15 लोगों का जो पेरेंट बॉडी है, उनमें हमारे रेखा पुजारी जी है और ये गायत्री राव ट्रेजरर है, मैं सेक्रेटरी का पोस्ट संभाल रही हूँ, शालिनी जी उसमें चेयरपर्सन है। तो ये सेम थिंकिंग के जो हम सभी लेडीज़ हम लोग एक साथ आए, हमने बहुत विचार विनिमय किया और नाम क्या देने का, तो हमने कहा श्री शक्ति नाम देंगे हम उसको। तो ये सभी महिलाएं मिलके हम लोग लास्ट से लास्ट महिला तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और ये कोई अकेले का काम नहीं है।
हम सब मिलके करेंगे। मेरे साथ बड़ी से बड़ी संख्या से सब समाज सेवक है, कर्नाटका तुलु कन्नड़ा समाज के लोग हैं, वहाँ एरिया से एरिया वाइज जो मान्यवर लोग हैं, अभी मैं नाम गिनवाऊँ तो कम पड़ जाएगा। जैसे मैं अभी हम लोग का जो 15 लोग हैं, ये सभी एक दूसरे के साथ मिलके पूरक बनते हैं। सो हम सभी लोग साथ में मिलके अच्छे से अच्छा काम करेंगे और महिलाओं को उनका जो भी हक दिलवाने का काम करेंगे। अभी हम लोग ये पेरेंट बॉडी में 15 लोग हैं जो हमें 5 बरस तक रहेगा, और इसमें प्रेजेंटली हमारे साथ अभी 50 से 75 लेडीज जुड़ चुकी है इसके साथ। तो हमारा ये विचार है, ये मीरा भाईंदर में ही नहीं सीमित रखते हुए, और सिर्फ मुंबई भी नहीं, ये हम महाराष्ट्र तक, पूरा महाराष्ट्र में हम श्री शक्ति फैलाएंगे और इसका लाभार्थी हम हर एक महिला को बनाना चाहेंगे। जैसे ही देखिए, अभी जो हमने फाउंडेशन बनाया है उसमें के क्लॉजेस जो है, उसमें हम लोग मॉन्टेसरी के लिए परमिशन ले सकते हैं, प्ले ग्रुप चला सकते हैं, हम लोग इवन हॉस्पिटल्स के लिए इनिशिएटिव कर सकते हैं, और जो महिला है जिनके घर नहीं है या जिनका कोई पर्सनल फिनांशियल प्रॉब्लम है, उनको हम लोग मदद कर सकते हैं ये फाउंडेशन द्वारा। जो बच्चे जिनको फीस भरने तक की भी उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनके लिए हम लोग मदद करेंगे। सो मेनली इसे प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा हम लोग चैरिटी करने की कोशिश करेंगे। मीरा भाईंदर में अभी इलेक्शन आ रहा है वो बात अलग है, ऐसे मैं थोड़े सभी से परिचित हूँ, लेकिन महिलाओं के लिए मैं सबसे पहले ये काम करूँगी। जो भी मोदी जी द्वारा योजनाएं आई है, जैसे अभी मैंने गणपति के जो पर्व गया अपना 10 दिन का, उसमें मैंने महात्मा फुले कार्ड बना के दिया, जहां लोगों को ऑरेंज रेशन कार्ड जिनका है उनको महात्मा फुले कार्ड बना के दिया। उसमें आपको हॉस्पिटल्स में अगर कुछ ऑपरेशन होना है तो गवर्नमेंट से आपको 2 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। वैसे ही आयुष्मान योजना का भी हमने इनिशिएटिव लिया है, मैंने 2 बचत गट रजिस्टर कर दिए है। बचत गट एक ऐसी संस्था है जिससे बहुत से महिलाओं को फ़ायदा होगा, जो महिलाएं घर बैठ के हुए कैटरिंग या कुछ ट्यूशंस या छोटे मोटे घर लघु उद्योग जो घर से उद्योग करते हैं, उसमें जो महिलाओं को जो बचत गट से फ़ायदा मिलेगा, खुद ही काम करते। तो अभी जो बचत गट से बहुत लाभ मिलता है लोगों को, और जो महिलाएं घरगुती काम करते हैं उनको लोन कम इंटरेस्ट से लोन मिलेंगे। तो अभी 2 बचत गट मेरे ऑलरेडी हुए और 5 पाइपलाइन में हैं, तो बहुत शॉर्टली मैं वो बचत गट का फ़ायदा सब महिलाओं को पहुंचाऊंगी। वैसे ही कई महिलाओं के बच्चे के ट्यूशन की फ़ीस की ज़रूरत है, जहाँ वो मुझे ज्ञान है जिसका हम मदद भी कर रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि श्री शक्ति द्वारा वो उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये एक्चुअली आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। हमने श्री शक्ति जब बनाया तभी हम लोग सब कर्नाटका थे, हम लोग कम्युनिटी जो हम लोग मिलके स्टार्ट किया, बट हमारा ये विचारधारा है, ये हम लोग सनातन धर्म हिंदुत्व की विचारधारा लेके चलने वाले हैं, और इसमें सिर्फ कर्नाटका वाले नहीं तो सभी हिंदू जाति धर्मों को हम लोग इसमें धीरे धीरे में समा लेंगे। और इसमें हमने बहुत से सेल बनाए हैं, और तो उसमें आपका हेल्थ सेल है, स्पोर्ट्स सेल है, एजुकेशन सेल है, और बहुत बहुत ज़्यादा सेल्स हम लोग बनाने वाले हैं इसमें। तो इसमें कल्चरल सेल है, तो सभी जाति धर्मों के हम लोग महिलाओं को लेके चलेंगे इसमें, क्योंकि ये महाराष्ट्र में हम लोग लाने वाले, तो कोई एक जाति धर्म तक सीमित नहीं रखने वाले। श्री शक्ति फाउंडेशन का उद्घाटन हुआ है, बहुत संख्याओं में मीरा भाईंदर की सब महिला पुरुषों के बहुत संख्या इधर आज प्रस्तुत था, वो देख के हमें बहुत खुशी हुआ, क्योंकि हमारा जो सोच है उसको आगे बढ़ाने के लिए सबका सपोर्ट मिलेगा करके हमें बहुत बड़ा आशा है।
उतना ही नहीं है, हम ये फाउंडेशन इसीलिए शुरू किए कि स्त्रियों को जो जो सुविधा मिलेगा उसका सब सरकार की तरफ से या कोई गण्य व्यक्तियों की तरफ से किससे भी लेके हम जो ज़रूरतमंद है उनको देने की बहुत बड़ा इच्छा हमें है, वो पूरी हो जाएगा करके हमें आज की ये जो पब्लिक हमारे साथ खड़े थे उन सबको देख के हमें हमारा आशा और जाग उठा है। हम और अच्छे तरह से इस स्त्री शक्ति को आगे लेके जाने की इच्छा रखते हैं और इच्छा के पीछे सबका सपोर्ट हमें मिला, आज बहुत जन आए अपना आशीर्वाद दिए, हम बहुत खुश है और आगे बढ़ेंगे, आप सबका सपोर्ट हमें मिलेगा करके बहुत बड़ा आशा के साथ आज कार्यक्रम बहुत अच्छे से शुरू हुआ। और यह भी आधा से ज़्यादा कार्यक्रम हुआ फिर भी लोग कोई भी यहाँ से नहीं निकले, स्त्रियों के साथ इतना संख्या में हमें सपोर्ट करेंगे करके सोचे नहीं थे। आज तो प्रारंभ का दिन है, आज जन्मदिन है मोदी जी की और अपना स्त्री शक्ति की दोनों का साथ की विषय इतना अपना मिलजुल के सब लेडीज़ भी आए, सब विविध संघ है, मीरा बैंदर की बहुत बड़ा जाति संघ है, बहुत सारे संघ के लोग भी हमें सपोर्ट करने के लिए आए, हम बहुत खुश। आज का ये है मतलब ये आज का ये क्या बोलने का श्री शक्ति का एक उद्घाटन हुआ और श्री शक्ति का उद्घाटन के साथ साथ श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी इतना हम लोग का यादगार होगा, ये हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि जो मोदी जी ने दुनिया या इंडिया के लिए और हम लोग का भारत के लिए कर रहा है ऐसा या ये श्री शक्ति का ये एक शालिनी शेट्टी करके उस श्री शक्ति का ये फाउंडर है और बाकी सब लोग इसके साथ है, रंजना कतावट है और वाईटी शेट्टी है, सब लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और सब लोग श्री शक्ति का इसके साथ साथ हम लोग भी इन लोग के साथ मिलजुल के हम लोग ये श्री शक्ति का ये एक संघ है हम लोग आगे बढ़ाने में और इसके साथ साथ पूरा संघ समझते सब लोग है, कम्युनिटी का संघ समझते है वो सब लोग हम लोग के साथ खड़े हैं इसके और भगवान का भी आशीर्वाद हम लोग के साथ है करके हम लोग आशा करते हैं। नमस्ते, नमस्कार।